हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेहत का ज्ञान। हाल ही के दिनों में हार्ट अटैक की समस्या सिर्फ 60 से 65 की उम्र में ही नहीं बल्कि 40 से 50 साल के लोगों में खूब पाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ हार्ट अटैक आने के लक्षण के बारे में। दूसरा, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर क्या है। तीसरा, हार्ट अटैक से बचाव के लिए टिप्स। तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं हार्ट अटैक आने के सिम्टम या लक्षण। पहला, शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द, पेन इन द अपर बॉडी। अगर आपके सीने में दर्द, बेचैनी या किसी प्रकार का दबाव है जो आपकी बाहों, विशेष रूप से बाएं हाथ, जबड़े, गले और कंधे में होता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा पसीना आना, एक्सेस स्वेटिंग। अगर आप अचानक ठंडे पसीने से तर बतर हो जाते हैं तो इसे अनदेखा ना करें, खासकर जब आप दिल के दौरे के अन्य लक्षण से गुजर रहे हैं। तीसरा, अचानक चक्कर आना, सडन डाइजीनेस। आपको छाती में किसी प्रकार की असहजता के साथ सीने में बेचैनी हो रही है तो यह दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि दिल के दौरे के दौरान महिलाओं को इस तरह से महसूस होने की अधिक संभावना होती है। चौथा, दिल के धड़कन का बढ़ना या कम होना, एबनॉर्मल हार्ट बीट। दिल के तेज धड़कन कई कारकों का परिणाम हो सकता है, जैसे अत्यधिक कैफीन का सेवन और सही ढंग से नींद पूरी ना होना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका दिल सामान्य से कुछ सेकंड के लिए तेज धड़क रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक के जोखिम कारक या हार्ट अटैक आने के रिस्क फैक्टर के बारे में। दिल का दौरा पड़ने के पीछे कई रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे एज। आपको बता दें कि 45 साल की उम्र से अधिक पुरुषों और 55 साल की उम्र से ऊपर की महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं के कंपेयर में पुरुषों को दिल का दौरा पड़ने की संभावना 2 से 3 गुना अधिक होता है। दूसरा, अनुवांशिक प्रवृत्ति। अगर आपके घर में पीढ़ियों से हृदय रोग जैसे माता पिता, भाई या बहन का इतिहास रहा है तो आपको दिल का दौरा या स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर। लंबे समय तक अनियंत्रित ब्लड प्रेशर का स्तर आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे आप दिल के दौरे के चपेट में आ सकते हैं। चौथा, कोलेस्ट्रॉल। खराब कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पाँचवा, मोटापा। मोटापा भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है हार्ट अटैक आने के लिए। छठा, डायबिटीज़। हाई ब्लड शुगर भी एक ऐसी स्थिति है जो आपको दिल के दौरे के चपेट में ला सकती है। सातवां, तनाव या स्ट्रेस। तनाव या आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, इसलिए तनाव और स्ट्रेस से दूर रहें। आठवां, स्मोकिंग या धूम्रपान। धूम्रपान आपकी धमनियों को कठोर बनाता है और आपके ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ाता है। ये सभी आपके दिल के दौरे के खतरे को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक से बचाव के लिए टिप्स। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना और कुछ स्वस्थ आदतें अपनाने से आपके दिल के दौरे के जोखिम को रोकने या कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ छोटे छोटे से कदम दिए गए हैं जो सुनिश्चित करने में आपकी मदद करेंगे। जैसे पहला, एक स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, एक्स्ट्रा फैट, तेल, मांस से बचें, हरी सब्जियां, फल, नट्स, मछली अपने डाइट में शामिल करें। दूसरा, स्मोकिंग और शराब के अधिक सेवन से बचें। तीसरा, अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखें। चौथा, नियमित रूप से व्यायाम करें। पांचवा, शरीर के स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। हार्ट अटैक के लिए मोटापा एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसीलिए नियंत्रित वजन रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। छठा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग तकनीक और योग व्यायाम का अभ्यास करके तनाव से बचा जा सकता है। सातवां, साल में एक बार बॉडी चेकअप जरूर कराएं। सेहत से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।